बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फोर्थ क्लास, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन गुड नाइट ओल्ड डेजी, रिटन बाय जॉन वेन। बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्टोरी ऑफ गुड नाइट ओल्ड डेजी इन द क्लास। सो आवर फर्स्ट लेक्चर वाज देयर इन द क्लासरूम एंड नाउ दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। So you already know about the main characters in this story. These are Mr. Greeley, then his daughter Nora or Mrs. Foster, and then Cyril. So we have already discussed its main idea and about the human point of view, which is discussed in this essay, in this story. So all right, so this is the last paragraph from the first page that I am going to study. ये देखें last paragraph, और ये page number 72 है, 72 पेज का last paragraph। और जब आप ये लेक्चर देखा करें तो अपनी बुक ज़रूर ओपन कर लिया करें। वी हैव हैड दिस बिफोर नोरा, ही सेड इफ आई लाइक टू गो डाउन एंड लुक एट द ओल्ड गर्ल, वेल दैट्स नॉट टू से आई डोंट रिगार्ड द काइंडनेस यू शो मी इन गिविंग मी अ होम, यू एंड सिरल। तो ओल्ड गर्ल, मैंने कहा था कि वो जितने भी वर्ड्स से उस गाड़ी को बुलाएगा तो वो उनको आप अंडरलाइन करके याद करेंगे। और ये उसका लव है उस गाड़ी के लिए, जिस इंसान लव करता है उसके न्यू नेम्स पुकारे जाते हैं, उसको इंसान सोचता है तो उसके नए नए नाम जिनसे ये पुकारेगा, मिस्टर ग्रीले। तो ये वो कह रहे हैं अपनी बेटी को कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि तुम्हारी और सिरल सन इन लॉ, तुम दोनों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी कि तुम दोनों ने मुझे अपने घर में रखा हुआ है और अब मैं ओल्ड गर्ल से मिलने जा रहा हूँ। तो अपने घर में रखा हुआ, असल में तो ये फ़र्ज़ होता है, दिस इज़ ऑब्लिगेटरी, दिस इज़ ड्यूटी ऑफ द फर्स्ट पेरेंट्स व्हेन देयर चिल्ड्रन आर स्मॉल एंड देन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स आर ओल्ड, कि उनको उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन सम टाइम पेरेंट्स बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं तो औलाद उनके साथ इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान कर रहे हैं उनको अपने घर में रख कर। तो वो महसूस करता था इन बातों को। ये 73 पेज पर अब हम देखेंगे। व्हेन यू कैच योर डेथ यू विल कम टू मी टू बी नर्स्ड, शी सेड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब अपने लहजे को ज़रा अच्छा करते हुए, अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए उसने कहा कि जब बीमार हो जाएंगे तो फिर मेरे पास आना पड़ेगा आपको और फिर मुझे आपकी केयर करनी पड़ेगी। दे डोंट कीप दैट प्लेस वार्म इनाफ, दे डोंट कीप दैट प्लेस, मतलब वो जो म्यूज़ियम है जहाँ पर ओल्ड डेजी, वो जो इंजन है वो पड़ा हुआ है म्यूज़ियम के अंदर जहाँ ये जाता है, तो वो उस बारे में ये मिसेस फॉस्टर कह रही है कि वो सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह नहीं है, अगर आपको सर्दी लग गई तो फिर मुझे केयर करनी पड़ेगी। आई हैव नेवर कॉडल्ड माई सेल्फ, सर मिस्टर ग्रीले, इफ़ आई शुड फॉल सेंड मी टू हॉस्पिटल, यू वॉन्ट नेवर हैव टू नर्स मे। तो क्या कहते हैं कि मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि कॉडल करो, मेरी केयर करो, केयर विद लव, कॉडल मीन्स केयर विद लव, कि मेरी केयर किया करो, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा, और अगर मैं बीमार हो गया तो फिर भी मुझे तुम केयर ना करना, मुझे किसी हॉस्पिटल में भेज देना। स्ट्रेटनिंग हिज शोल्डर्स ही मार्च डिफिएंटली टू द डोर एंड आउट, द टेंशन प्रोड्यूस्ड बाय हिज डॉटर्स नेगिंग हैड कॉज्ड हिज हार्ट टू बीट फास्ट, सेंडिंग हिज थिन ब्लड कोर्सिंग क्विकली थ्रू इट्स चैनल्स, बट दिस डिड लिटल इनफ टू वार्म हिम against the icy wind that blew round the unsheltered bus stop. Unsheltered bus stop की बात हो गई और icy wind की बात हो गई, तो
बेटी ने जिस तरह से बात की थी उससे उसके अंदर खून की हरकत तेज़ हो गई, उसको गुस्सा आ गया। लेकिन यह तेज़ हरकत खून की, ये भी उसको बाहर का जो सर्द मौसम था और बस स्टॉप जो अनशेल्टर था उसमें उसको सेफ ना कर सका आइसी विंड से, बर्फीली हवाएं जो चल रही थी। ही ड्रू हिज मैकिंटॉश टाइटली राउंड हिम, मैकिंटॉश लॉन्ग कोट, लंबा कोट जो पहनते हैं सर्दियों में उसको मैकिंटॉश कहते हैं। तो मैकिंटॉश को उसने टाइटली अपने गिर्द बांधा हुआ था। मच वर्न एंड थ्रेड बेयर इट वॉज बेटर दैन नथिंग। तो वो किस तरह का था उसका मैकिंटॉश? मच वर्न एंड थ्रेड बेयर, बहुत ज़्यादा फटा हुआ था और धागे लगा लगा के उसको सिया गया था। और ये इट वॉज बेटर दैन नथिंग, वो बेहतर हालत में नहीं था। अब जब हमने ये स्टोरी स्टार्ट किया तो उसकी कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसमें ये बताया गया था कि बेटी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, अच्छा उसने अपना सेटअप रखा हुआ है घर का, रिच अपना सेटअप रखा हुआ है। लेकिन जहाँ तक फादर के कोट का ताल्लुक है तो वो मच वर्न, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, फटा हुआ है और उसको धागे से सिया गया है बार बार, और वो अच्छा नहीं है देखने में। और लेकिन उस तरफ उसने कभी तवज्जो नहीं की। एंड ही कुड नॉट अफोर्ड टू बाई हिमसेल्फ अ न्यू कोट, ये देखें इसको अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, आप भी अंडरलाइन कर लें। वो अपने लिए नया कोट नहीं ख़रीद सकता था, जाहिर है उसके सोर्स ऑफ इनकम इस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो जॉब से रिटायर था तो वो नया कोट नहीं ख़रीद सकता था। एंड वुड नॉट आस्क हिज डॉटर फॉर द मनी, और वो बेटी को भी रकम के लिए नहीं कहना चाहता था। वाइल मिस्टर ग्रीले वेटेड, सेवरल अदर पीपल गैदर्ड एट द बस स्टॉप एंड वन ऑफ देम अ वुमन इन हर थर्टीज ग्रीटेड हिम। जब मिस्टर ग्रीले वहाँ पर वेट कर रहा था तो बहुत सारे लोग और भी जमा थे, और एक 30 साल की खातून भी थी जिसने मिस्टर ग्रीले को पहचान लिया और उससे बात की। गोइंग इन टू टाउन मिस्टर ग्रीले, जस्ट टू द कलेक्शन ही रिप्लाइड, टू द कलेक्शन। अब ये जो वर्ड कलेक्शन है इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, द कलेक्शन, ये म्यूज़ियम का नाम है, सी कैपिटल से लिखा हुआ है, सी कैपिटल से लिखा हुआ है। जस्ट टू द कलेक्शन ही रिप्लाई, आई जनरली गो डाउन एंड हैव अ लुक एट द ओल्ड गर्ल। तो अब देखें वो किस तरह कहते हैं, मैं आमतौर पर जाता हूँ वहाँ पर और मैं ओल्ड गर्ल को देखता हूँ। और अपनी तेज़ी में उसे भूल गया कि ये जो खातून है जो उसको भी जानती है और उसकी बेटी को भी जानती है और उसकी फैमिली, मतलब फैमिली को अच्छी तरह से जानती है, तो वो ओल्ड गर्ल से क्या कॉन्सेप्ट लेगी ये उसके माइंड में नहीं रहा, ना उसने एक्सप्लेन किया। फर्ड एंड स्कार्व्ड अगेंस्ट द विंड शी लुक्ड एट हिम अनकम्प्रीहेंडिंगली, कम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड, अनकम्प्रीहेंड मतलब अनअंडरस्टैंड, नॉन अंडरस्टैंड। तो अपने आप को अच्छी तरह से कवर उसने किया हुआ था और वो ना समझी कि ये क्या कह रहा है। नोरास ओल्ड डैड, नोरा का बूढ़ा बाप, शी वर सीन हिम, शी हैड सीन हिम इन द बैकग्राउंड व्हेन शी एंड डॉन वेंट राउंड फॉर एन इवनिंग नाइस ऑफ सीरियल टू पुट अप विद हिम रियली, एंड हिम प्रिटी नियर गागा द कलेक्शन, व्हाट डिड ही मीन? That's right, she said vaguely, her gaze traveling past the old man in search of something interesting enough to hold her attention. The bus coming into view disappeared her any further social effort when it halted matlab stop, bus aa gayi aur jab wo ruki, the knot of waiters elevated into knot to the dignity of passengers climbed thankfully into its warm interior. To passengers bus ke andar peacefully enter ho gaye. The collection returned, said Mr. Grille to the conductor. The railway museum was officially known as the Phipps Historical Railway Collection. तो जो रेलवे म्यूज़ियम था जहाँ पर गाड़ियाँ पुरानी खड़ी होती थी उसका आमतौर पर नाम था Phipps Historical Railway Collection. इसको मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ और आप भी इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये रेलवे म्यूज़ियम का आमतौर पर नाम था। और इन ऑनर ऑफ सम लॉन्ग डेड डायरेक्टर हु हैड गिवन फंड्स टू स्टार्ट इट, एंड मिस्टर ग्रीले ऑलराइट
सो कंसिडर्ड इट बीनीथ द कलेक्शन डिग्निटी टू बी नोन एज एनीथिंग एल्स सम राइट Some of the bus conductors knew what he meant, others did not, but by preserving he hoped in time to instruct them all. This morning the conductor, a youth of about 20, seemed not to hear Mr. Greeley. He took the fares from two other passengers and then returned with wear to dad. Fare hota hai kiraya. तो अब आज जिस दिन की ये बात हो रही है उस दिन एक नया कंडक्टर आया हुआ था और उसको सही समझ ना आया कि ये क्या कह रहे हैं. तो अब दोबारा उसने पूछा कि कहाँ जाना है. फिप्स मेमोरियल कलेक्शन डक्कर स्ट्रीट, ये पूरा एड्रेस वो बता रहा है. सैड मिस्टर ग्रीले विथ केयरफुल डिस्टिंक्टनेस. ओ डक्कर स्ट्रीट, सैड द लैड. लैड लड़का, केयरलेसली. फोर पेंस रिटर्न, सैड मिस्टर ग्रीले डॉजली. ओ रिटर्न सम पेंस अ पेनी. ओके Mr. Greeley already had the coins ready. He paid up and sank back into his own thoughts. Tucker Street, the conductor had, it seemed, heard of the street and not the collection. Yet the street was a short one, a mere link between two main streets at the center of the town, and there was hardly anything else there except the collection. अच्छा, अब ये जो street जिसका conductor ने नाम पूछा उसको समझ आ गया कि किस street पर इसे जाना है. और स्ट्रीट के बारे में लिखा हुआ है कि वो एक लिंक थी दो स्ट्रीट्स के दरमियान, टाउन की के सेंटर में दो और स्ट्रीट्स के दरमियान ये एक लिंक था, और उसमें मेन जगह उस जगह वहाँ उस स्ट्रीट में कलेक्शन वो म्यूज़ियम ही था. बट इट वाज द स्ट्रीट यू हैड टू आस्क फॉर अ ट्रिवियलिटी येट स्ट्रॉ That showed how the wind blew, forgetfulness, forgetfulness everywhere. The great days, the great deeds blown away on the gritty winds. तो ये पैराग्राफ इस तरह से इम्पॉर्टेंट हो गया कि इसके अंदर भी हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे लिंक की बात उसने की है, तो ये जो जगह है कलेक्शन, ये भी मिस्टर ग्रीले के लिए एक लिंक बन गया है उसके माजी का और उसके हाल का. तो ये एक लिंक हो गया है, यानी कि पास्ट, मिस्टर ग्रीले का पास्ट और मिस्टर ग्रीले का प्रेजेंट वो लिंक हो रहा है इस म्यूज़ियम के थ्रू. और The bus halted at Ducker Street and Mr. Greeley got out and stood for a moment on the pavement. Pavement जहाँ पर पैदल चलते हैं. The collection was beside the station whose main entrance was two streets away. From the station Mr. Greeley could hear the clash of wagons being shunted, drawn by the sound. He hesitated, but what was the use? There was no hiss or cough to be heard, not a plume of white to be seen. The station had been modernized and there were no steam locomotives working now. Okay, station भी अब modern हो चुका था और वहाँ पर कोई screen locomotives नहीं थे, धुआं पैदा करने वाली गाड़ियाँ नहीं थी. And diesels, Mr. Greeley had no objection to diesels in their own way, but there was no interest in watching them. Who wanted to watch a lot of steel boxes moving about? He went up the step of the collection and hurried in. The large whitewashed building was not very warm, but it seemed so after the chill of the street, and it was possible to take off वंस ओवरकोट विदाउट डिस्कम्फर्ट. मिस्टर ग्रीले डिड सो बट कैप्ट ऑन हिज कैप एंड मफलर. तो वो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं था वो जो कलेक्शन है म्यूज़ियम है अंदर से, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा अगर कोट उतार देते तो तब भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो सकते थे. तो उसने अपना कोट उतार दिया लेकिन अपना मफलर और कैप उसने रखी हुई थी. हैंगिंग अप हिज मैकिंटॉश He turned to greet the attendant who usually sat on a chair
जस्ट इनसाइड द डोर अ टैसिटर्न ग्रिजल्ड मैन होम ही हैड ग्रोन टू लाइक बट इंस्टेड ऑफ द फेमिलियर टेनेंट अ न्यू एंड यूथफुल फेस लुक्ड एट हिम फ्रॉम अंडर अ पीक्ड कैप। तो जो पहले अटेंडेंट होता था वो उसका नोन था, जाना पहचाना मारूफ था, और अब उसको एक नया अटेंडेंट देखने को मिला जिसने पहले उसको नहीं देखा हुआ था और ना ही मिस्टर ग्रीले ने उसको देखा हुआ था। वेयर इज एर्नी, मिस्टर ग्रीले आस्क्ड, ही इज ऑफ सिक, वो ऑफ है जॉब से और वो बीमार है। द स्ट्रिपलिंग रिप्लाइड, आई एम डूइंग हिज जॉब टिल ही गेट्स बैक, तो जब तक वो वापस नहीं आ जाता मैं उसकी जगह काम करूँगा। ही मेड नो फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ हिमसेल्फ वट हिज नॉर्मल जॉब वॉज, वेयर हिज पीक्ड कैप केम फ्रॉम, एर्नी नेवर वर्न वर वन, एंड हाउ ही वुड बी कुड बी स्पेयर टू टेक ओवर फ्रॉम एर्नी, वॉज ही अ ट्रेनी, वॉज एर्नीज जॉब बींग कैप्ट वार्म फॉर हिम, ही वॉज ए नॉन एक्सप्लेनर अ बडिंग अथॉरिटेरियन, मिस ट्रस्टिंग हिम मिस्टर ग्रीले मूव्ड अवे। और तो वो इस तरह का लड़का नहीं था कि उसे फ्रेंकली मिस्टर ग्रीले कोई बात डिस्कस करता, इसलिए मिस्टर ग्रीले ने उससे मज़ीद कोई बात ना की उस लड़के के साथ। अब हम देखेंगे उस लड़के का जो इंट्रोडक्शन कराया गया, बताया गया एक नया लड़का था, तो नया से मुराद ये है कि अब चीज़ें वक्त के साथ साथ एक जैसी नहीं रहती, विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स स्टार्ट टू चेंज, तो ये चेंज दिखा रहे हैं। और इसी तरह से मिस्टर ग्रीले की लाइफ में भी आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज आ रहा था। नेवर माइंड अटेंडेंट और नो अटेंडेंट, हियर शी वाज एंड हियर शी वुड ऑलवेज बी, तो अटेंडेंट हो या अटेंडेंट ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो वहाँ मौजूद थी और वो हमेशा वहाँ मौजूद होती थी। मतलब गाड़ी के बारे में कहा गया, गाड़ी का इंजन। द फिफ्थ कलेक्शन वॉज नॉट वेरी लार्ज, अ फ्यू ओल्ड वैगन्स, अ ग्लास केस और टू कंटेनिंग ओल्ड रेलवेज यूनिफॉर्म्स एंड टूल्स, अ कपल ऑफ न्यू नैरो गॉज ट्रैक एंड अ नंबर ऑफ स्केल मॉडल्स ऑफ हिस्टोरिक इंजन, सम ऑफ विच इफ यू फेड देम अ पेनी वर्ड सैडली इंटू मोशन फॉर अ लिटल वाइल, बट ऑल दीज वर अकंपनीमेंट्स ग्रुप्ड ऑन द मार्जिन द फैकेट ऑफ द कलेक्शन, द वन बिग इम्पॉर्टेंट आइटम दैट मेड इट वर्थ कॉलिंग अ कलेक्शन एट ऑल stood firmly in the middle, her brass gleamed, her paint shone, her majestic size drew the eye of everyone who entered, she was a gigantic green and gold engine of the 460 type, isko underline kar lijiyega, ye uski description ho gayi engine ki, complete with her 8-wheeled official name which was that of a castle, but Mr. Greeley in the years when he and his giants had lived their lives together had always called her Daisy, he could not have said why Daisy just seemed to suit her, तो इसको अंडरलाइन कर लें। और वो नहीं जानता था कि उसने उस इंजन को डेजी क्यों कहना शुरू किया, लेकिन ये वर्ड डेजी ही था जो उसे लगता था कि उस गाड़ी के लिए ठीक है, और वो उसको डेजी ही कहा करता था। इन हिज लॉन्ग डायलॉग्स विद हर एज शी swayed and hissed and thundered and the riveted metal plates shivered under his feet, Mr. Greeley had simply found himself calling her Daisy, and that was that. He drew his hand along the edge of her long platform. Hello Daisy, he said softly, another morning old girl, ठीक है। अब जाते हैं, उसको बुलाता है जैसे किसी से ह्यूमन बींग से इंसान बात करता है कि देखो आज एक और सुबह हम मिल रहे हैं। डेजी स्टूड इम्पैसिवली, इम्पैसिव होता है सुस्त, लेजी, विदाउट एनी मोशन, डेजी वैसे ही खड़ी रही। शी हैड नो मीन्स ऑफ रिप्लाइंग, येट मिस्टर ग्रीले डिड नॉट फील दैट इट वॉज आर्टिफिशियल और इवन एक्सेंट्रिक टू स्पीक टू हर, देयर रिलेशनशिप हैड बीन अ लिविंग वन, he had fed strength into her veins, caused her to leap and sway, तो जो relationship था उनका वो strength का था कि इसको देख कर उसकी veins में ताकत भर आती थी, heaving hundreds of tons of solid matter into urgent clattering motion, and at the end of the run his hand had shut off her stream, calmed her, cradled her into her metallic sleep,
एंड नाउ शी वॉज स्लीपिंग फॉर एवर बट ही वॉज टू सेंसिबल अ मैन टू फाइट अगेंस्ट हिज ओन सब्जेक्टिव फीलिंग्स एंड हिज फीलिंग्स टोल्ड हिम दैट ही वॉज हर ड्राइवर। तो अब वो अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग के ऊपर काबू नहीं पा सकता था, वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि और उसकी जो फीलिंग थी वही उसे बता रही थी कि वो इस गाड़ी का पुराना ड्राइवर था एंड वुड ऑलवेज बी हर ड्राइवर और वो हमेशा इसका ड्राइवर रहेगा एंड टू हर ही कुड नेवर बी एज अदर मैन वर और उसके लिए वो कभी भी उस तरह से नहीं हो सकता था जिस तरह दूसरे आदमी थे, मतलब अजनबी डिफरेंट। यहाँ तक आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसको रीडिंग कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये स्टोरी है और स्टोरी को एक एक बात एक्सप्लेन नहीं करते, उसका मज़ा ख़राब हो जाता है, उसको तेज़ी से रीडिंग करते हैं। तो आप ख़ुद भी इसको रीडिंग किया करें, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड किया करें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर इंशाल्लाह आगे भी डिस्कस करेंगे। आप इसके क्वेश्चन आंसर और इसके समरी प्रिपेयर कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।